योगी यादव जी के आह्वान पर हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित होकर करके इन प्रारंभिक शिक्षक के लोगों को हमने ताकत बढ़ाने का काम किया है, इनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। कि आपको देना होगा, हमारा नौजवान आज रोड पर है, उसके लिए आपको सोचना होगा। और यहीं से सड़क से लेकर सदन तक हमारे तेजस्वी यादव जी कल से शुरू कर रहे हैं, आप लोग के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और मांग होगा हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित होकर करके इन प्रारंभिक शिक्षक के लोगों को हमने ताकत बढ़ाने का काम किया है, इनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और जो प्रतिरोध मार्च हमारा जो 7 तारीख का है, उस 7 तारीख का प्रतिरोध मार्च हमारा है। इस प्रतिरोध मार्च में हम लोग पूरी ताकत के साथ हमारा जो मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार दो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, महंगाई खत्म हो, और जो बैकलॉग हमारा है कर्मचारियों का उसको भरा जाए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस का दाम कम हो, और जो 5% जो GST रोजमर्रा के जिंदगी में जो खाने पीने के सामान पर आपने लगा करके गरीबों के ताकत को अपने कमजोर करने का काम किया है, ये सब समाप्त हो। ये मुद्दा को लेकर के हम लोग जो है कि 7 तारीख को जो है कि प्रतिरोध मार्च हमारा महागठबंधन का होगा, जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग सड़क पर पूरे बिहार में उतर कर करके और सरकार के खिलाफ हम लोग जो है कि आगाज करने का काम करेंगे और गरीबों की मांग को लेकर के सड़क पर दौड़ने का काम। सर एक लास्ट सवाल, सरकार कही थी अच्छे दिन आएंगे और यहाँ भी 19 लाख रोजगारों का दिया गया था कि आप लोगों को 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, उसके बारे में क्या? देखिए तो सरकार जो है कि पूरे जो है कि गलत फहमी में रहता, खाली गाल बजाती है और बराबर कहती है। एक बार यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हर गरीबों के खाता में हम 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, हर जो है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम इसका है कि, और काला धन हम वापस लाने का काम करेंगे, कहां गया इनका वादा। और फिर जब चुनाव आया, जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार की धरती पर कहा कि हमारी सरकार बनेगी और हम जो है कि 10 लाख लोगों को फर्स्ट कैबिनेट फर्स्ट कलम से हम अस्थाई नौकरी देने का काम करेंगे, तो इनके जो लोग हैं जुमलेबाज जो नेता है उसने कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, कहां गया? आज तो बेरोजगार एग्जाम देकर करके और गर्दनी बाग के धरना पर बरसात के मौसम में पानी चू रहा है, भींग रहा है और कटोरा लेकर के सरकार से भीख मांग रहा है कि हमको नियुक्ति पत्र दे दीजिए। अच्छा महोदय एक प्रश्न है, एक मिनट महोदय, एक प्रश्न है कि क्या आप शिक्षा मंत्री से विशेष तरीका से इस पे बात करेंगे क्या? एक मिनट, हम लोग तो विशेष रूप से करने का मतलब हो रहा है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लिख रहे हैं, जी जी, अगर इससे भी नहीं मानेंगे तो सदन में जो है वो आवाज उठाने का काम करेंगे। जी जी, थैंक यू। आंदोलन में बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार गुंगी सरकार है, बहरी सरकार है, भाई हो गया कितना देर साथ रहा है। हमें तो लगता है कि जितने भी सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये मुर्दा की सरकार है। इतने कष्ट झेल करके एक दिन की बात नहीं है, पिछले साल भी इन लोगों ने भी आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, 2 महीना पहले भी आकर बैठ के जी, 2 महीना पहले भी। हमारे मांगे गलत नहीं है, आपने जो वादा किया था उसी के हिसाब से हम आए हैं। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, अगर युवाओं को नौकरी देने का मंशा नहीं है, तो आप एग्जाम भी नहीं लेते और वादा भी नहीं करते, क्योंकि आपने जो वादा किया है हम उसी के तहत मांगने आए हैं। और ये एक तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत दुखद घटना है। और हमारे भाई बंधु आज जो है रोड पर इस धूप में इस बारिश में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब समझिए कि ये बिहार का सबसे गलत मिले जाने वाला ये दिशा दिख रहा है। मैम एक प्रश्न है, अभी जो रिक्तियां छठे चरण की अभी तक फुलफिल अप नहीं हुई है और सरकार अभी भी कह रही है कि छठे चरण हम अभी और चलाएंगे अगस्त महीना तक, तब 7वीं चरण लाएंगे। वो झूठा है, 20-25 निकाल निकाल के झूठों के लड्डू बताता दिखा रहा है जी, ये सरकार के मंशा ही नहीं है कि हमारा बिहार खुशहाल हो। अच्छा मैडम, युवा खुशहाल हो जी, एक प्रश्न और है, क्या जी क्या ये कभी आप लोग की एक साथ बैठक होती है मैडम, जो माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, उनसे विशेष तरीका से आप लोग बात कर सकती हैं क्या इस मुद्दा पे मैडम? अगर हम विपक्ष के नेता हैं जी, हमारा मांग रोड पर होगा, हमारा मांग सदन में होगा, हम उससे क्यों बात करें? हम नहीं बात कर सकते, हमारा मांग है कि आपको देना होगा, हमारा नौजवान आज रोड पर है, उसके लिए आपको सोचना होगा। और यहीं से सड़क से लेकर सदन तक हमारे तेजस्वी यादव जी कल से शुरू कर रहे हैं, आप लोग के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और मांग होगा पूरा भी, अगर वो नहीं करते हैं तो बहुत जल्द बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव जी आने वाले हैं। और युवाओं के लिए सबसे पहले विधानसभा में जब बैठेंगे तो वो अपने कलम से
10 लाख नौकरी देने मैडम वादा किया है वो जरूर मिलेगा आप लोगों को सौगात। मैडम यहाँ पे तेजस्वी सर आएंगे कभी ऐसा कुछ उम्मीद है? देखिए अभी हम लोग को भेजा गया है जी। निश्चित रूप से वो कल पहले 7 तारीख वाला जो हमारा महंगाई पर आंदोलन है जी जी। पहले उसको हम सार्थक कर लें और इन लोगों को भी आमंत्रण देने आए हैं कि आप लोग भी अपनी मांगों को लेकर के चले और आपकी भी लड़ाई हम वहाँ लड़ रहे हैं क्योंकि ये सारा दवाई सिंचाई महंगाई ये सब इसमें आता है तो हमारे भाइयों को जो मांग है वो सब लेकर के कल हम रोड परसों 7 तारीख को रोड मार्च करेंगे सरकार को घिराव करेंगे और इन सभी को मांगों को वहाँ रखने का काम हमारे तेजस्वी यादव जी जोरदार ढंग से करने वाले हैं। सीमा गुप्ता जिंदाबाद 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 सीमा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे और चैनल वालों से भी अनुरोध करता हूँ कि शिक्षा विभाग द्वारा रिक्ति की गणना भी की गई थी और उसमें रिक्ति भी ऐसा है कि हम लोग को रोजगार दिया जा सकता है फिर सरकार के पास मजबूरी क्या है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लेटर निकालते हैं और जिला स्तर पर जो है उनके लेटर पालन ही नहीं किया जाता है। मजबूरी को नहीं समझते हैं क्योंकि आपने लाकर रोड पर खड़ा किया आपको नहीं था नौकरी आपको देने की मंशा नहीं है आप लोग को जाना ही नहीं है नहीं जाएंगे आपको मिलेगा क्यों नहीं जब हमारा मुखिया जब आगे बढ़ रहा है आपके लिए तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आपका लड़ाई सपोर्ट चाहिए आपका लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ने जा रहे हैं और सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे और आपको नौकरी मिलेगी क्योंकि आपने पढ़ा है आपने डिग्रियां ली है इसलिए आपका हक मिलेगा निश्चित रूप से मिलने वाला है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि हमारे तेजस्वी यादव जी खासकर युवाओं के लिए सोचते हैं और अब बहुत जल्द युवाओं के भविष्य सुनहरा होने वाला है। थैंक यू मैडम।